धूप निकला है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हम अभी अपने गांव आ गए हैं और मम्मी के घर जा रहे हैं। और दोस्तों हम उस साइड से आए हैं, हाईवे की ओर से, और यहाँ देखिए ये एक खूबसूरत सा पंडाल सजा के रखा है। छठ पूजा के लिए बिहारी कम्युनिटी के लोगों ने सजाया हुआ है। आज और कल इनका फेस्टिवल है। और ये जो छोटा सा नदी है, ये जो अरुणाचल प्रदेश से बह के आता है, ये देखिए अरुणाचल साइड में ये नदी है, और इसके ऊपर में एक ब्रिज भी बना हुआ है। इसका जो नीचे साइड है, ये आसाम का साइड हो गया, यहीं में ये लोग छठ पूजा का फेस्टिवल मनाता है हर साल। और ये रास्ता जो है अरुणाचल और आसाम का ठीक बीचों बीच है, बाउंड्री है। सुबह सुबह यहाँ पे ठंड होता है, तो इसलिए मैंने जैकेट भी लगा लिया, हाफ वाला जैकेट, लेकिन पैदल चल के गर्मी भी आ रहा है अभी। और चलते चलते मेरा सांस फूल जाता है, इसलिए व्लॉग बनाते समय मैं ज़्यादा बात नहीं करती, सांस फूल के मेरा खांसी आने लगता है। ये मेरा इस साइड में आसाम है और इस साइड में अरुणाचल है। और ये आसाम साइड का गांव को पोतुम टुकरी बोलता है, और हमारा अरुणाचल साइड में जो गांव है, हमारा गांव है, उसको कातान विलेज बोलता है। वो जो आगे जा रहा है वो मेरा बेटा है, वो बहुत जल्दी बहुत फास्ट चलता है, मेरा तो सांस फूल जाता है। अब ये मम्मी का यहाँ से रास्ता है मम्मी का, और ये साइड असम का गांव का अंदर जाता है, और ये हाईवे की तरफ ये रास्ता जाता है जहाँ से हम अभी आया है। ये असम का रास्ता बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और हमारा रास्ता अभी तक ऐसा है, लेकिन आगे से इसका भी बढ़िया रास्ता बना है ऐसा सुना है, लेकिन मैं यहाँ से आगे जाके नहीं देखा। और यहाँ से आगे जाएगा तो और भी बहुत सारा गांव मिलेगा, जैसे कुंदिल और काबांग विलेज, इदुली विलेज, ये सारा गांव मिलेगा। और यहाँ से टर्न लेगा तो अरुणाचल का अंदर जाएगा, अरुणाचल में इंटर करेगा, और यहीं से मेरा मम्मी का घर भी मिलेगा। ये मम्मी पापा का बाउंड्री, यहाँ से इलाका है इनका। दोस्तों मैंने देखा है अरुणाचल और आसाम का बाउंड्री में ज़्यादातर जगह में बाउंड्री का इशू बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना इशू नहीं है। हम लोग जब से हमने देखा है, जब से हमने होश संभाला है, तब से हमारा बाउंड्री का इशू नहीं रहा है, और आसामी लोगों के साथ में हमारा अच्छा रिश्ता होता है। ये मम्मी ने बाउंड्री के बाहर में ये अरबी का, सारा अरबी का गार्डन किया हुआ है। ये इनका छोटा गेट है। ओ मम्मी पापा, हमें भी नाश्ता चाहिए, मिलेगा नाश्ता, भूख लगी है। नमुंडा का चप्पल उतार के रखा है, हम भी अपना चप्पल उतार के, जूते उतार के अंदर चलते हैं। गरम पानी, नाश्ता भी दीजिए ना, भगवान आपका भला करेगा।